मंगल नूर तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। ओ नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम बिहारी। ओ नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम बिहारी। बाल समय गरु भक्षणीय तब दिन लोक भयो अंधियारो। ताही सुकात भयो जग वो यह संकट दाह तो जात न डारो। देवन आन करी दिन सी तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम बिहारो। सावन साथ दे दिए को सब रक्षति को कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। साहस दिए अशोक को आगे सुदय प्रभु मुद्दी का शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम बिहारो। मान लगे उर लक्ष्मण के जब प्राण त्यज सुत रावण मारो। लगी हवै कुशेन समेत जब गिरी द्रोण सुवीर उबारो। हानि संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम बिहारो। समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पाताल की धारो। देवी ही बुद्धि भली विधि सो भली देव सब मिल मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण दैन्य समेत संहारो। तो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम बिहारो। आज कियो बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है चारो। देगी हर हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम बिहारो। वो नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम बिहारो। ॐ नमः शिवाय। 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 देवी अंजनी आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ आप मेरी प्रार्थना सुनकर आ गए। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। मेरा जीवन धन्य हो गया। उठो अंजनी, भक्तों की पुकार सुनकर तो हमें आना ही पड़ता है। हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो अब तक मेरे गोद में ममता का फूल न मुस्कुराया। मेरी कोख सुनी पड़ी है प्रभु। दुखी न हो अंजनी, शीघ्र ही तुम्हारी पावन गोद में हमारा ग्यारहवां अंश ग्यारहवें रुद्र के नाम से जन्म लेगा, जो हनुमान के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा और राम नाम का दीप घर घर में जलाकर पाप का अंधेरा दूर करेगा। प्रभु, प्रभु मेरा लाल आपका अंश होगा। राम नाम का दीप घर घर में जलाएगा। मैं कितनी प्रसन्न हूँ, कितनी भाग्यशालिनी हूँ। जैसे मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया प्रभु, सब कुछ पा लिया। कौन कौन है मेरा आंचल पकड़ने वाला? कौन है ये मायावी? किसने मेरा आंचल पकड़ने का साहस किया? मेरा आंचल छोड़ दो,
मैं कहती हूँ मेरा अचल छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप। ऐसा अनर्थ न करना। मैं पवन, तुम्हारी पवित्रता पर कोई कलंक नहीं लगा, तुम आज भी गंगा जल की तरह पवित्र हो। ये केवल संजोग जो मैंने तुम्हारे आंचल को स्पर्श किया। क्यों स्पर्श किया? भोलेनाथ की इच्छा। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला उनके 11वां अंश में मेरा भी एक रूप होगा और तुम्हारा भावी बालक पवन पुत्र के नाम से विख्यात होगा। पवन पुत्र कहलाएगा। ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है जो आपने देवी अंजलि की कोख से जन्म लेने का निश्चय कर लिया है? गिरजा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेते हैं। मैं 10 रूप से उनकी सेवा कर चुका हूं, इस बार उनका राम रूप से अवतार होगा और मैं 11वें रुद्र हनुमान के नाम से रावण आदि के विनाश का कारण बनूंगा। रावण का विनाश? वो तो आपका परम भक्त है, उसने अपने 10 शीश काटकर आपकी भक्ति की है। परंतु 11वां सर हमेशा अभिमान से ऊंचा रखा है और सदा 11वें रुद्र की अवहेलना की है, इसलिए मैं प्रभु राम का सहायक बनकर 11वें रुद्र हनुमान के नाम से अवतार लेने जा रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, जो काम बल से नहीं हो सकता वो छल से हो सकता है और वो मैं करूंगी। मेरी प्यारी बहन, मेरी
का ये दिन इतिहास में अमर है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है, आज तो आनंद के लहर घर घर है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है। बाबा ने धरती पर लिया आज अवतार की, बोले बाबा ने धरती पर लिया आज अवतार की, पावन हुआ उन्हीं के चरणों से सारा संसार की, पावन हुआ उन्हीं के चरणों से सारा संसार की, आज बड़े भाग से ये शुभ भाव है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है। ज्योति आई फैलाने जग में नया प्रकाश रे, ज्योति आई फैलाने जग में नया प्रकाश रे, चारों ओर गूंज रहा ओम हर हर हो, आज का ये दिन इतिहास में अमर है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है। माता के जीवन में आया ऐसा योग रे, भारत माता के जीवन में आया ऐसा योग रे, राम राज का सुंदर सपना देख रहे सब लोग रे, राम राज का सुंदर सपना देख रहे सब लोग रे, एक दूसरे की नदियाँ बह कर चल रे, आज का ये दिन इतिहास में अमर है, आज का ये दिन इतिहास में अमर है। शिला का उद्धार किया, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, जब भी आप कोई शिला जल में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगी। बेटा, मेरे लाल, बेटा हनुमान, मेरे लाल, बचपन से राम भक्ति की पावन महिमानी पहचान, पल पल छिन छिन दिन दिन करके हुए 10 बरस के हनुमान। राम राम साधु है, बताओ कहाँ है मेरे राम, बोलो ना।
चुप क्यों? जवाब दो ना, कहाँ है मेरे डांस? कुछ तो बोलो योगी, नहीं हो? के कल्याण के लिए जो आप तपस्या कर रहे थे वह क्या पूर्ण हुई? तपस्या पूर्ण नहीं हुई, भंग कर दी गई। भंग कर दी गई? दानों के गुरु महायोगी त्रिकालदर्शी गुरुदेव शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने का साहस कौन कर सकता? पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान? उसे तो हमारी बहन ने कभी का समाप्त कर दिया। वो मरा नहीं जीवित है, उसी ने मुझे खिलौने का तरह उठाकर फेंक दिया। भूल गए लड़के, शनि ने क्या कहा? तुम्हारे विनाश का कारण गुरुदेव शुक्राचार्य के होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हनुमान की मृत्यु का उपाय बताइए गुरुदेव। उसके वृद्ध का उपाय है राहु। राहु? हाँ राहु, हनुमान को राम चाहिए। कल सूर्य ग्रहण, यदि हनुमान को सूर्य के पास भेजा जाए तो राहु से तप। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम राम राम, राम राम कहने से क्या राम मिल जाएगा? राम का मिलना इतना सरल नहीं है हनुमान। सरल नहीं? हाँ, हम त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, घट घट की और घर घर की जानने वाले। हमें मालूम है कि तुम्हारा राम कहाँ है। तो बताइए ब्राह्मण देवता, शीघ्र बताइए, मैं आपको तो कभी नहीं भूलूंगा। बताइए कहाँ मिलेगा मेरे राम? तो देखो, वो आकाश में चमकने वाला सूर्य है ना, उसी में तुम्हारा राम बैठा हुआ है। और थोड़ी देर में राहु सूर्य को निगल जाने वाला है। सूर्य के निगलते ही राम भी तुम्हारा राहु के पेट में चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। हनुमान ये आकाश सूर्य के पास जाती भस्म हो जाएगा। माता जी, माता जी, क्या बात है बेटा? हनुमान सूर्य के पास जा रहा है। सूर्य के पास? हनुमान, हनुमान बेटा वापस आ जाओ बेटा। राहु से राम को बचाने जा रहा हूँ माँ, सूरज के पास। नहीं नहीं, तू सूरज के पास ना जा, वहाँ तू जल जाएगा, उसमें आग है बेटा। माँ की ममता तुझे बुला रही है। नहीं माँ, राम की भक्ति मुझे बुला रही है। नहीं नहीं बेटा, हनुमान हनुमान वापस आ जा। सूरज को निकलने चला राम का भक्त ये बालक हनुमान। उस ओर अग्नि की ज्वाला है, इस ओर एक नन्ही सी जान। राहु ने राह रोकी आकर, लेकिन न पवन सुख घबराया। आंधिया प्रलय की तन में भर, उस दानव से जा टकराया। मैं सूर्य को ग्रस के रहूंगा। नहीं, उसमें मेरे राम है। तेरे राम? मूर्ख, सूर्य में तो केवल आठ है आठ, तेरे राम नहीं। तू मुझे नहीं बहला सकता, मैं तुम्हें वहां तक नहीं जाने दूंगा। बालक, हक छोड़ दे, तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो वापस चला जा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुझे मुझसे लेना होगा। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, आप यहाँ अनंत से इंद्रासन पर बैठे। उधर पृथ्वी के एक वानर ने सूर्य को निकलकर मेरा विश्वास छीन लिया, आपका नियम भंग कर दिया। कौन है वो जिसने हमारा नियम भंग कर अपनी मृत्यु को बुलाया? कौन पुत्र हनुमान ने, वो देखिए। हनुमान को इसका दंड मिलना ही चाहिए।
कि अपनी मां से भी टूट गए हनुमान। इस प्रकार सारी सृष्टि से प्रजा के मुंह में चली जाएगी। देव
क्रोध को त्याग कर देवताओं को क्षमा कर दीजिए और सृष्टि को प्रलय में जाने से बचा लीजिए पवन देव। परंतु मेरा बेटा। चिंता न करो देवी, शिवंश हनुमान तो अजर अमर है। उठो बेटा। मेरे लाल, मेरे बेटे, माँ, मेरे लाल। देखो बेटे, अब सूर्यदेव को मुक्त कर दे। पवन पुत्र हनुमान की। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि भविष्य में जो भी तुम कार्य करोगे अवश्य सफल होंगे। आज से तुम पर भविष्य में कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करे। मैं तुम्हें अपना ब्रह्म ज्ञान देता हूँ और साथ ही साथ अपने ब्रह्म शस्त्र और ब्रह्म शाप से तुम्हें मुक्ति देता। धन्य हो देवगण, आप सबने अपने अपने शक्ति देकर मेरे बच्चे को धन्य किया। परंतु माँ, किसी ने मुझे राम से नहीं मिलाया। बोलो माँ, कहाँ मिलेगा मेरे राम? बोलो ज्ञान देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, कहाँ मिलेगा मेरे राम? भगवान राम तो कण कण में समाये हुए हनुमान, परंतु समय आने से पहले मिलन नहीं। वो समय कब आएगा? जब तुम्हारी भक्ति का दीपक संपूर्ण रूप से जगमगा उठेगा, जब तुम्हारे मन की लगन समुद्र की लहरों की तरह नाच उठेगी। हनुमान श्री राम के अंतर्यामी, वो सबकी पुकार सुनते हैं, तुम भी पुकारो। उनकी पहचान क्या होगी? जो वनवासी के रूप में तुम्हें हनुमान कहेंगे वही राम होंगे। तो कैसी बातें करता है मेरे बेटे? संसार के सभी देवताओं का आशीर्वाद तेरे साथ है। कैसा आशीर्वाद है इसमें मेरे प्रभु राम ने? ओहो राम राम राम, जब से जन्मे तब से एक ही रट तेरे मुंह से सुनाई पड़ती है। कभी तो माँ भी कहकर बुला कर मेरे बेटे, सोते जाते उठते बैठते जब देखो तब राम ही राम पुकारता है। कोई किसी का नहीं माँ, कोई किसी का बेटा नहीं, राम नाम ही सच्चा हो और सब झूठा। मुझे जाने दो माँ। कैसे जाने दो मेरे हृदय के टुकड़े को, मैं कैसे जाने दो? मेरी लाल, कितने दुख और कष्ट झेलकर मैंने तुझे बड़ा किया है। कितने वर्षों की कठिन तपस्या साधना के बाद मैंने तुझे पाया है। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? सबका रखवाला राम है माँ, क्या तुम नहीं चाहते मुझे राम मिले? कौन माँ नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ तू सदा पले सुले सुखी रहे। लेकिन बेटा, मैं तुझे कैसे जाने दूँ? मैं एक माँ हूँ, माँ। और माँ का दूसरा नाम ही त्याग है। मुझे हंसते हंसते विदा दो, आशीर्वाद दो जिससे मैं राम को पा सकूं। मुझे आज्ञा दो माँ। क्या तेरा यही अंतिम दिन है? हाँ माँ। तो जा, मैं तुझे संपूर्ण तन मन से आशीर्वाद देती हूँ। किसी को कुछ मिले या ना मिले, तुझे तेरे राम अवश्य मिले। माँ तुम कितनी अच्छी हो माँ, तभी तो लोग कहते हैं संसार में माँ से बड़ा कुछ भी नहीं। तो मैं जाऊँ माँ? मेरे लाल, मैं तुझे जी भर के देख लू, फिर न जाए तू मुझे कब मिलेगा? हनुमान ऐसे न कहो, हनुमान को उसके राम भी मिलेगा और उसकी माँ भी। Thank you.
मैं ढूंढूं तुम्हें कहाँ पाऊं तुम्हें, कहाँ ढूंढूं तुम्हें कहाँ पाऊं तुम्हें, मेरे राम मुझे दर्शन दे दो, बदले में प्रभु मुझसे मेरा तन मन धन और जीवन ले लो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें राम सीरा के बादल, प्यासे है नयन प्यासा है ये मन, प्यासे है नयन प्यासा है ये मन, दर्शन का जल भगवन दे दो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें कहाँ पाऊं तुम्हें, मेरे राम मुझे दर्शन दे दो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें राम भटका हूँ बहुत इस जीवन में, भटका हूँ बहुत इस जीवन में, अब तो चरणों में शरण दे दो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें कहाँ पाऊं तुम्हें, मेरे राम मुझे दर्शन दे दो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें राम कौन जतन तुमसे मिलन, पर कौन जतन तुमसे मिलन, मेरे मन की लगन पूरन कर दो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें कहाँ पाऊं तुम्हें, मेरे राम मुझे दर्शन दे दो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें राम तेरा आपको हर जगह ढूंढा, परंतु आपको मुझे आगे पर जरा भी दया नहीं, मैं ठहरा एक ज्ञानी बालक, आप मेरी क्यों सुनोगे क्यों सुनोगे, ठीक है आप अपनी हट संभालो, मैं अपनी हट संभाल दूं, भगवान जो मैं चाहता हूँ वो आप मुझे दे नहीं सकती, फिर आप मुझे क्यों रोकना चाहती हैं? इसलिए कि आत्महत्या करना पाप है। प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं, प्रश्न प्रभु राम का है। प्रभु राम का? आज 20 वर्ष हो गए उनको ढूंढते हुए, उनका कोई पता नहीं। बस 20 वर्ष में दुखी हो गए, मुझे देखो मैं शबरी
जात की भीड़ युग युग से प्रभु राम की राह में पल के बिछाए बैठी हूं। मैंने आपकी डोरी नहीं छोड़ी, मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन प्रभु राम मुझे अवश्य दर्शन देंगे। अवश्य दर्शन देंगे, ये केवल आपका भ्रम है। मन की आंखों से देखो बानर, फूलों में, पत्तों में, जल में, थल में, सभी स्थानों पर प्रभु का निवास है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं निराकार नहीं, साकार रूप देखना चाहता हूं, जिसे देखने के लिए आंखें तरस रही, मन व्याकुल है, प्राण छटपटा रहे हैं। मां, कब दर्शन होंगे उस रूप? भगवान राम भक्तों के उद्धार के कारण 14 वर्षों के लिए वनवास को निकल चुके हैं। तुम ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के पास जा, वही प्रभु से तुम्हारा मिलन होगा। वानर राज सुग्रीव? सुग्रीव, तूने ये समझा था कि मैदानों ने बाली को मार डाला और तू निर्भय होकर चंपापुरी की गद्दी पर राज करेगा? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जीवन नहीं छोड़ूंगा। निर्दोष कपटी, मैं तुझे मैदानों की तरह समाप्त कर दूंगा। माता शबरी की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि राम दर्शन तुम्हें यही होंगे। राम दर्शन? ओ भक्त, आपके सहारे श्री राम के दर्शन करके मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। श्री राम, श्री राम, राम राम राम। बंधन में भटकने वाले उस राम का इतना साहस कि हमारी बहन सुरपंखा का नाचन काट ले, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। मामा मारी प्रगट हो। आज्ञा लग गई सर। तुम स्वर्ण मृत का रूप धारण करके पंचवटी जाओ। जो आज्ञा महाराज। सीधे बैठे ही क्या है स्वामी, किसके लिए इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हारे लिए। कहाँ चले गए थे? पुष्पतुल में, इतनी देर में ही इतने व्याकुल। ऐसा लगा जैसे युग बीत गया। अगर मैं आपसे कुछ दिनों के लिए दूर चले जाऊं तो? मणि बिना सब जैसी मेरी दुर्दशा हो। सीते, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना राम राम नहीं, और आपके बिना सीता सीता नहीं। हर घड़ी दिन रात सदा आपके मुख चंद्र को निहारती रहूं, मन की हर सांस से सदा आपके नाम की माला जपती रहूं, और अंत में आपके चरणों की धूल बनकर आपके नाम के साथ कण-कण में बिखर जाऊं। बस यही मेरी इच्छा है। केवल इतना ही? और कोई इच्छा नहीं तुम्हारी? सीते, जीवन का अपार सुख और संपदा को छोड़कर तुम बन-बन मेरे साथ भटकी, कांटों पर मुस्कुराई,
विपदाओं पर हंसी हो। कभी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। स्वामी यहाँ देखिए स्वर्णमृग। स्वर्णमृग? ऐसा मृत तो कभी ना देखा ना सुना। स्वामी जल्दी उसने कुमार का लाइए ना, मैं उसके चरण से अपनी कंचुकी बनाऊंगी। परंतु सीते ये मृत तो सुंदर है नाथ, जल्दी उसे मारकर मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। वो देखिए अमृत भागा जा रहा है, जल्दी कीजिए नाथ, स्वामी जल्दी कीजिए ना, जाइए। तुम्हारी हट तो पूरी करनी ही होगी। मैं अभी उसे मार कर ले आता हूँ। लक्ष्मण जी भैया, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम सीता को अकेली छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा प्रभु। संकट दूर करने वाले त्रिलोकीनाथ पर संकट, यह असंभव है माता। अवश्य ही ये किसी निशाचर की माया है। तुम्हारे भाई तुम्हें कर्म स्वर में पुकार रहे हैं और तुम उसे निशाचर की माया कहते हो। क्या यही एक भाई का भाई के प्रति प्रेम है, कर्तव्य है? माता मुझे नहीं मालूम था क्या अयोध्या में बड़े बड़े डेंग मारने वाला लक्ष्मण बन में आकर दुख में साथ न देगा। ऐसा न कहो माता, ऐसा न कहो। क्यों न कहो, उनके लिए मेरा हृदय बैठा जा रहा है और एक तुम हो जो पाषाण बने खड़े हो। तुम्हारे त्यागी वैरागी आत्मा पापात्मा में बदल गई है। तुम्हारे मन में मेरे लिए वासना के जन्म हो चुका है। माता बस करो, माता बस करो, आगे कुछ न कहो। मैंने तो सदा आपके चरणों को देखा है, कभी आपके सामने दृष्टि तक नहीं उठाई, फिर मेरे प्रति ऐसी ऐसी भावना। लक्ष्मण यदि तुम्हारा इतना ही मन पवित्र है तो इसी घड़ी जाकर अपने भाई की सहायता करो, यही मेरी आज्ञा है। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, एक ओर आपकी आज्ञा दूसरी ओर माता का आदेश। लक्ष्मण तुम जाते हो या नहीं? जाता हूँ माता, परंतु जाने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आपको यही निवेदन है। आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आइएगा। जय श्री राम। देवी घर पर आए हुए साधु की इच्छा पूरी करो, भिक्षा दो और आशीर्वाद प्राप्त। अभी नहीं महाराज। साधु सन्यासी बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते, भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो। क्या सोच रही हो देवी? मालूम होता है भिक्षा देना नहीं चाहती। अच्छा हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस चले जाएंगे। हरिओम। नहीं नहीं महाराज, महाराज लीजिए। लाइए देवी लाइए। रंगा पति के हाथ भैया कैसे चले आए? भैया आपने ही तो मुझे पुकारा है। मैंने मैंने नहीं पुकारा। तो वो आवाज आपकी नहीं थी? आवाज? इसमें जरूर कोई छल कपट होगा। भैया
भयंकर अनर्थ। क्या हुआ भैया? मेरा अनमोल मोदी कोई लुटेरा लूट कर ले गया। पंचवटी की पुष्पलताओं, बोलो कहाँ है मेरी सीता? बोलो तुम क्यों हो? मन, ये कैसे हो गया? मैं ही इसका कारण हूं। मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। मुझे अपने किए अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। आपने जिन हाथों से मरीज का वध किया, उन्हीं हाथों से पान चलाकर मेरी छाती छल ली। पंचवटी की धरती पर मेरे रक्त की धारा बहा दो। मेरा रक्त मेरे पापों का प्रायश्चित कर सके। आप चुप क्यों हैं? धनुष उठाइए, बाण चलाइए, चलाइए बाण भैया, मेरा वध कर डालिए। लक्ष्मण, संसार में मुझे राजपाट या कीर्ति सब मिल सकते हैं, लेकिन तुमसे आज्ञाकारी भाई नहीं मिल सकता, राम को रक्षा नहीं मिल सकता। भैया राम राम राम, सीधे भूल जाओ उस राम को, और याद रखो रावण ही तुम्हारा अधिकारी है, तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का सत्य मेरे राम है, जिनके नाम का प्रकाश मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, जैसे फूल में सुगंध। सुगंध वही राम जो तुझे जा के तो लाया, परंतु रक्षा नहीं कर सका। नहीं, वो राम जिन्होंने शिव जी के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ दिया था, जिससे तुम हिला तक न सके। वो राम जिन्होंने बचपन में ही तुम्हारे जैसे सैकड़ों राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया था, और वो राम जिनके नाम के साथ तुम्हारे मृत्यु का अटूट संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भारत नहीं लंका है, लंका हमारी अपार शक्ति का कठोर दुर्ग। जानती हो हमारे अपमान का अर्थ क्या होगा? मृत्यु की गोद में सो जाना। विद्वान कहे जाने वाले सोने की लंका के स्वामी रावण क्या तो इतना भी नहीं जानता कि स्त्री के लिए पति के नाम पर मर जाने से कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है? मैं एक बार नहीं 100 बार जन्म लूंगी, और जितनी बार भी जन्म लूंगी उतनी बार ही उनके नाम पर मर जाने से कभी संकोच नहीं करूंगी। तुम मूर्ख हो, मरने से कहीं अधिक अच्छा है कि तुम हमारी स्वर्णमयी लंका की पटरानी बन जाओ। मैं ठोकर मारती हूँ उस सोने को जिसमें मेरे राम नहीं, मेरा सोना, मेरा पतिव्रत धर्म है। धर्म भारत में माना जाता है, लंका में नहीं। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो एक है अभिमानी रावण, यदि तुझ जैसे करोड़ों रावण भी आए तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने प्रभु राम की हूँ और उन्हीं के रहूंगी। फिर वही राम, अब देखता हूँ तेरा राम तुझे कैसे बचाता है। रुक जाइए, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। मेरे होते हुए आप पति सीता का निश्चय नहीं कर सकेंगे। मंदोदरी, हट जाओ हमारे बीच से। हम अपनी बहन सुरपणखा के नाक और कान काटने का बदला सीता से लेके रहेंगे, इसका अभिमान मिटा कर रहेंगे। कदापि नहीं, मंदोदरी स्त्री होकर स्त्री की लाज मुझसे नहीं देख सकती, और एक पत्नी होकर एक पति का पतन नहीं देख सकती। स्वामी, हम सबकी भलाई इसमें है कि सीता को श्री राम के चरणों में लौटाकर उनसे क्षमा मांगे। मंदोदरी, क्षमा मांगू वो भी आपके शत्रु राम से? हट जाओ। स्वामी, मैं विवश हूँ, पति के धर्म से भी यदि कोई बड़ा धर्म है तो आज मैं उसके आधार पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ। मंदोदरी, हट जाओ, नहीं तो हम तेरे प्राण ले लेंगे। और उसके पहले आप इस कुल की देवी को छू नहीं सकते। देखा लंकेश का पौरुष, हम अपने रास्ते में आने वाले कांटे को इसी प्रकार निकाल फेंकते हैं। ये पौरुष नहीं, पतन की पराकाष्ठा है। पतन की पराकाष्ठा नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा कहो। जब हम इन काली काली लटों से खेलते हुए तुम्हें अपने छाती से लगा लेंगे, अपने युगों युगों की इतिहास उतारेंगे, और हम अपने उस अपमान का बदला भी लेंगे जो तुम्हारे स्वयंवर में राम ने हमारा किया था। करो, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता।
सीता के सुरकिसी के बिना उस पर तुमने अपना अधिकार जमाना चाहा तो फस हो जाओगे, फस हो जाओगे। शाम दाम दंड भेद की नीति से सीता को स्वीकार कराओ कि वो हमें अपना मान ले। हम उसे एक मास का अवधि और देते हैं। यदि इस अवधि में उसने स्वीकार नहीं किया तो हम इस आकाशवाणी को मिथ्या प्रमाणित कर दिखाएंगे। जय शंकर। आ रही है लक्ष्मण भैया, वो देखिए। राम राम भक्तराज जटायु, भगवान आपके दर्शनों के लिए अब तक ये प्राण किसने तुम्हारी ये दशा की? पापी रावण ने। रावण ने? हाँ, माता सीता को लेकर जा रहा था। कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर। राम लक्ष्मण रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीता। हनुमान हनुमान रघुपति कहिए बानराज। वो देखिए तुम दो वीरों को अवश्य बाली के भेजे हुए भी हमारे शत्रु ब्राह्मण रूप धारण करके जाइए और उनका पता लगाइए। अभी जाता हूं। कहिए विप्रदेव, किस कारण हमारा पता लगाने आए हो? मैं? हाँ, रूप बदलने से आत्मा नहीं बदलती हनुमान। मुझे हनुमान कहने वाले आप? जो तुम हो वही मैं हूं। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें। हम दोनों अनंत काल के साथी हैं। अब भी नहीं पहचाना हनुमान? हनुमान हर्षाय राम के दर्शन पाए, हनुमान हर्षाय कोई साधु परसों की पूरी निधि भक्त भगवान की धूरी जीवन में आनंद लहराए, हनुमान हर्षाय राम के दर्शन पाए, हनुमान हर्षाय को अपने कंधों पर बैठा कर महावीर गुड़ चले उधर है जिधर विकल सुग्रीव राज बानर अधीर। दासी के चरणों में अक्षय कुमार का नमस्कार। कहो अक्षय, क्या समाचार लाए? समाचार अशुभ है दासी। वानर हनुमान राम लक्ष्मण के पास पहुंच चुका है। राम लक्ष्मण के पास पहुंच चुका है? हाँ, और यदि वो राम के साथ रहा तो महानिष्ट होगा। हम देख लेंगे, तुम जाओ। जो आज कहता जी। अहिरावण प्रकट हो। आज्ञा लंकेश्वर। अहिरावण, शनि का कहना है कि हनुमान हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। तुम जाओ और उसके परिवार वालों पर विपत्तियों के पहाड़ गिरा दो ताकि वह राम को बुलाकर सारा समय अपने परिवार वालों को संभालने में ही लगा दे। ऐसा ही होगा लंकेश्वर। हनुमान शिव 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 शिव। अंजनी, क्यों व्यर्थ भटक रही हो? मेरे बेटे की खोज में महाराज, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते? कौन है आप? त्रिकालदर्शी महाऋषि।
योगाक्ष। महाराज तब तो आपको अवश्य पता होगा मेरा बेटा कहाँ है। हाँ ध्रुव दक्षिण। ये ध्रुव दक्षिण कहाँ है महाराज? क्या आप मुझे मेरे लाल तक नहीं पहुँचा सकते? वहाँ पहुँच कर करोगी क्या? वो तो राम राम की रट लगाते हुए मरण सैया तक पहुँच चुका है। हमारे वहाँ पहुँचने तक उसके प्राण फिर भी उड़ जाए। महाराज आप क्या कह रहे हैं? ऐसा न करिए महाराज, ऐसा न करिए। मेरे लाल को बचाइए, मैं उसे जीवित देखना चाहती हूँ महाराज। उसे जीवित देखने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान देना होगा अंजनी। बलिदान? महाराज मैं अपने लाल के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। बताइए बताइए महाराज, वो कैसे बच सकता है? तुम्हारी आंखों का रक्त यदि उसे पिलाया जाए तो वो जी जाएगा। मेरी आंखों का रक्त? क्या क्या उससे मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा महाराज? अवश्य। तो ले लीजिए मेरी आंखें। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। ईश्वर ने ठीक ही न्याय किया इन पापी आंखों के साथ, जो नित्य उसका मुंह देखे बिना खुल जाती थी। कर्तव्य का पालन कीजिए। अवश्य। प्रभु राम तो हमारे सर्वत्र है। हनुमान दानवन कुमारान नल नीलाज बानरों को साथ लेकर माता सीता की खोज के चारों दिशाओं में जाओ और उनका समाचार शीघ्र से शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा बानराज। प्रभु आज्ञा दीजिए ताकि मां को मैं ढूंढ सकूं। ये मेरी मुद्रिका ले जाओ जिससे सीता तुम्हें पहचान सके। जो आप जय श्री राम। रावण तुम फूलों से लिखे हुए नाम को मिटाकर मेरे मन पर लिखे हुए नाम को नहीं मिटा सकते। जिस करोड़ों सूरज के प्रकाश से अधिक प्रकाश हुआ प्रकाश, उसका प्रकाश लुप्त हो चुका है। वह अब दर-दर का भिखारी होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा। वही भिखारी मेरे सुहाग का मुकुटमणि है। तुम तो तुम संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे राम के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। हमें विवश न करो सीते, जिस राम के नाम का तुम आठों प्रहर गुणगान करती हो हम उसी के विनाश को निमंत्रण दें। विनाश उनका नहीं तेरा होगा जिसने पराई स्त्री का हरण किया है। हरण? हरण वही करता है जिसमें अपार शक्ति होती है। भूल जाओ उस राम को जो अब तक तुम्हें छुड़ा नहीं सका। शीघ्र ही वो दिन आएगा जब मेरे राम के बाण की आंधी चलेगी। उस समय ना तू रहेगा ना तेरे सोने की लंका। अब भी समय है, मुझे मेरे राम के पास पहुंचा दे वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। असंभव। न राम यहाँ आ सकता है न सीता वहां जा सकती है। तुम्हारे लिए अब केवल एक ही रास्ता है और वो है हमारी बाहें। आओ हमारी बाहों में बन जाओ। हम तुम्हें जीवन के वो सुख देंगे जिन्हें तुम्हारा राम तुम्हें अब तक नहीं दे पाया होगा। रावण प्यास वर्षा के जल से बुझती है सागर के जल से नहीं। तो ठीक है, अशोक वाटिका की चार दीवारी में उस समय तक तड़पती रहो जब तक तुम्हारे प्राण न निकल जाए।
जब तक तुम्हारी मृत देह को गीत और कौए नोच नोच कर नहीं खा जाए। दासियों, इसकी वो दुर्गति करो कि इसके मन से ही नहीं तन से ही राम निकल जाए।
दोस्तों की माता तेरा काल। तेरा काल तो झेल ले। मैं समझ गई लंका का अंत आ गया है। मुझे मेरे भगवान ने कहा था जब तू किसी वानर की पूंछ से मरेगी तब लंका का पतन हो जाएगा। मुद्रिका ये तो ये प्रभु राम की है। परंतु ये यहाँ कैसे आई? कहीं रावण की माया तो नहीं? जैसी ना मातेश्वरी, सर्वशक्तिमान भगवान राम के सामने रावण की माया कब तक चल सकती है? तुम मेरे स्वामी का गुणगान करने वाले तुम कौन हो? मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान उन्हीं की आज्ञा से आपकी खोज के लिए निकला हूँ। मातेश्वरी, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। कैसे हैं मेरे राम? दोनों वानर राज कहाँ है मेरे राम? कैसे हैं वो? अच्छे तो है ना? मेरे बिना वो बहुत कष्ट पाते होंगे। कौन उन्हें खिलाता होगा? कौन उनकी सेवा करता होगा? सच बताओ हनुमान, उनके चेहरे पर अब भी वही कांति है या नहीं? मैं अभागन उनके भाग्य में क्यों आई? आंसू मत बहाइए मातेश्वरी, अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। प्रभु राम सकुशल है, अब वो विशाल वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। लंका धूल में मिल जाएगी। प्रभु राम और सीता की हर कोने में जय जयकार हो। अब मुझे विश्वास हो गया है हनुमान कि प्रभु राम से मेरा मिलन शीघ्र ही होगा। आहा, कितने अच्छे फल लगे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मदीश, यदि आ गया हो तो कुछ अवश्य जी भर कर खाओ। जय श्री राम। कुमार का बात करने वाले और तुझे क्या दंड दिया जाए?
मुक्त देने से पहले हमें बंधन मुक्त किया जाए। अपराधी को बंधन मुक्त नहीं किया जाता, दंड दिया जाता। मालूम होता है लंकापति के हृदय में मेरा भय है। भय? और लंकेश्वर को? मूर्ख बानर मेघनाथ, बंधन मुक्त कर दो इसे। जो आज्ञा पिताजी। अब बैठने के लिए आसन भी दिया जाए। आसन? आसन और तुझे? राम भक्त हनुमान अपना आसन स्वयं बना लेगा। जय श्री राम। हमसे ऊंचे आसन पर बैठे। राम का नाम ही ऊंचा है, फिर उनका सेवक हनुमान नीचे कैसे बैठ सकता है? अच्छा, तो तुम उस बनवासी राम के सेवक हो? बनवासी नहीं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी जिनकी कृपा से शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। 6 महीने तक तुझको अपनी कांख में दबाने वाले बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, जिन्होंने तेरे महावीर सारे सुक्षण को 14,000 सेना के साथ साथ जिन्होंने सीधा सुंदर में जाकर उस सुरेश को तिनके की तरह तोड़ डाला जिसे तुम हिला तक न सके थे, वो राम। बहुत बड़ाई कर चुका आपने राम की। पहले ये बता, ये तो लंका में क्यों है? माता सीता का पता लगाने और तुझ जैसे अंधे की आंखें खोलने के लिए। नीच वो है जो पराई स्त्री का हरण करता है, नीच वो है जो नीति छोड़कर अनीति पर चलता है, नीच वो है। चारों देश के महान पंडित रावण को, परंतु महान पंडित लंकापति की बुद्धि पर भी पत्थर पड़े हुए हैं। रावण, अब भी बहुत समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। यदि तू अपना और अपनी लंका का कल्याण चाहता है तो माता सीता को लेकर प्रभु राम की शरण में चला जा। भक्तों पर दया करने वाले वो दयालु राम तुझे अवश्य क्षमा करेंगे। क्षमा? और हम मांगे? मूड बंदर, जिस रावण के नाम से देवी देवता कांप उठते हैं, जिसके चलने से पृथ्वी डगमगा उठती है, जिसके बंदीगृह में नवग्रह पड़े हुए हैं, जिसका पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत है, जिसका भाई कुंभकर्ण काल को वश में करने वाला है, वो प्रतापी रावण तुम्हारे उस राम से क्षमा मांगे जो तुम जैसे पामर वानरों के सहारे पड़ा हुआ है। हनुमान, जाके अपने राम से कह दो कि सीता अब हमारी है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे यहां से नहीं ले जा सकती। मैं विवश हूं, मुझे अगर राम की अगर आज्ञा होगी तो खेल खेल में तुम्हारी जनता को स्वागत में लगाऊंगा। माता जान की तो साथ ले जाता और तुमके को बात देखता रहता। एक बानर, हम अभी तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देंगे। आप हिंदी के विरुद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी का कहना उचित है, माता पिता को राम के पास लौटा दो, इसमें हमारी सबकी भलाई है। नहीं सर, उचित और अनुचित हम तुमसे अधिक जानते हैं। हमें तो आश्चर्य यह होता है कि तुम हमारे भाई होकर शत्रु का पक्ष ले रहे हो। कहो, निकल जाओ यहाँ से और जाओ अपने राम के पास। बढ़िया वानर, तुम दूत आवे इसलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। इंद्रजीत आज्ञा सर, इस वानर को कारागृह में डाल दिया जाए। पिताजी, बंदर की ममता पूछ में अधिक होती है, यदि आज्ञा हो तो इसकी पूछ में आग लगा दी जाए। न रहेगा बांस न बचेगी बाप। जीते राम। तो लगा दो इस बंदर की पूछ में आग। जो आप। रावण, मेरी पूछ में आग लगाने से कहीं ऐसा ना हो मेरे बदले तेरी सोने की लंका जलकर चाहा हो जाए। जय श्री राम। दरबार में तो बुरी बुरी डींगा हाँक रहा। राम ये है, राम वो है। बोलो लंकापति रावण की जय। बोलो लंकापति रावण की जय। लंकापति रामचंद्र की जय। अरे बोलता है अभी तक लंकापति रावण के आग लगाने का मजा। अरे कहाँ हमारे रावण,
और कहा वो राम तुम तो क्या देखते हो लगाओ पूछ लगाओ लगाओ क्यों सताते हो रोक लो अपनी पूछ की लंबाई को ए हनुमान तेरा अंतिम समय आ गया है कर ले अपने राम को याद फिर तेरी और फिर तू जाएगा फिर सारी लंका जल जाएगी ला हमारी मशाल ये लो मशाल जय श्री राम बोला लंकापति रावण की जय जय श्री राम बोला लंकापति रावण की जय जय श्री राम ये हनुमान क्यों तंग कर रहे हो क्या चाहते हो तुम तानगो देखी श्री राम की लीला एक बार श्री राम का नाम ले लो मिसाल अभी जाई जाएगी हम अपने शत्रु का नाम नहीं लेंगे तो फिर मिसाल भी नहीं जलेगी जय राम इसको काली कर दोगे तो हम तुम्हें भी बंधन मुक्त कर सकते आपकी आज्ञा सुधारी महाबली हनुमान आपने हमें बंधन से मुक्त करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है हम आपको वरदान देते हैं कि शनिश्चरवार के दिन हमारे साथ साथ आपकी भी पूजा हुआ करें जय श्री राम मातेश्वरी अब आज्ञा दीजिए जाइए हनुमान जी ये चूड़ा मैंने देकर प्रभु राम से कहिएगा कि सीता अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती यदि एक माँ के भीतर भीतर आपके चरणों के दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी सुग्रीव जी कितने दिन हो गए अभी तक सीता का कोई समाचार नहीं आया निराशा के अंधकार में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती जय श्री राम हनुमान क्या देवी जानकी का
माँ के दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो। कहाँ है मेरी प्राणेश्वरी? दुराचारी रावण की लंका में, अशोक वाटिका में, हर घड़ी आप ही के नाम की माला जपती रहती है। हनुमान प्रभु, माँ ने ये चिंदी कहा। सीते, और क्या कहा उन्होंने? यदि एक मास के भीतर उन्हें बंधन से मुक्त नहीं किया गया तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। माता के जीवन में ऐसी अशुभ घड़ी आने से पहले ही हमारी वानर सेना लंका के दानवों पर टूट पड़ेगी। अभिमानी रावण का अभिमान दूर दूर कर दिया जाएगा। महाकाल के चरणों में उस दानव की भेंट चढ़ा दी जाए। बाणदास नगरी हनुमान लंका की ओर प्रस्थान किया जाए। तैरने लगता है और मेरा छोड़ा हुआ डूब जाता है, इसका क्या कारण है? क्षमा करें प्रभु, जिसे आप छोड़ देंगे वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा, और मेरे पत्थर का तैरना आदि के नाम का तो चमत्कार है। युगा युगा तक जो न हो सके वो हो जाए राम नाम की महिमा ऐसी, पत्थर तैर रहे जल में। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। कौशल्या के चारे राम दशरथ राज दुलारे राम, सबके पालन हारे राम सबके के रखवारे राम। कौशल्या के तारे राम दशरथ राज दुलारे राम, सबके पालन हारे राम सबों के रखवारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। राम राम भज राम राम भज राम राम भज राम, राम राम भज राम राम भज राम राम भज राम। जय राम 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 जय राम। लंका की भूमि में ही प्रवेश नहीं किया, वस्तुतः मृत्यु के मुख में प्रवेश किया है। इंद्रजीत, हमें तुम्हारी शक्ति पर पूरा पूरा भरोसा है। याद रहे कल के युद्ध में एक भी शत्रु वापस न जाने पाए। ऐसा ही होगा पिताजी, कल के युद्ध में न राम रहेगा न लक्ष्मण। इंद्रजीत, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। इंद्रजीत बहुत प्रसन्न,
तुमने लक्ष्मण का वध करके अपना नाम लंका के इतिहास में अमर कर दिया है। यह आपका आशीर्वाद है पिताजी। आज लक्ष्मण न रहा, बलराम भी न रहे, और रहेगा तो केवल रावण, लंकाधिपति रावण। लक्ष्मण, 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 अब क्या होगा बैठराज? कोई उपाय नहीं है भगवान। यदि सूर्य उदय होने से पहले कोई द्वारागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, यदि आपकी कृपा रही तो मैं सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी लेकर आता हूँ। जाओ हनुमान, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। किंतु वैद्यराज, संजीवनी की पहचान क्या है? वो दीपक के समान चमक रही होगी। जय श्री राम। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। आप यहाँ? केवल मन सच नहीं हो जाता लंकेश। मैं आपका मतलब समझा नहीं गुरुदेव। हनुमान द्रोणागिर पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुका है। यदि प्रातःकाल होने से पहले संजीवनी बूटी ले आया तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगी। तब तो अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव। जब तक हनुमान राम से विलग नहीं होगा तुम्हारी भी यह निश्चित। आप ही असुरों के गुरु है गुरुदेव, आप ही कोई उपाय सोचिए, हमारे रास्ते से इस कांटे को दूर कीजिए। गुरुदेव का कोई अस्तार नहीं। मुझे राम का नाम लेने से रोकने वाले आप कौन हैं? एक तपस्वी। तपस्वी? क्या आप नहीं जानते कि इस युग में राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है? प्रभु राम का नाम लेने से डूबे हुए भी तैर जाते हैं तपस्वी। परंतु तुम नहीं तरोगे। पर क्यों? इसलिए कि तुम सर से पांव तक पाप में डूबे थे। तुम मातृद्रोही हो, तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। मातृद्रोही और मैं, ये अब क्या कह रहे हैं? मूर्ख बानर, तुम्हारी मां दर दर की ठोकरे खाते हुए मृत्यु के द्वार पर खड़ी, और तुम राम के मद में चूर कर्तव्य का ढोंग रचाने कर रही। मेरी मां दर दर की ठोकरें खा रही है? मेरी मां मौत के द्वार पर खड़ी है? नहीं नहीं, मेरी मां नहीं मर सकती। मूर्ख बानर, संसार का कोई भी पुण्य जीव को नहीं बचा सकता जिसके सर पर माता पिता की सेवा का ऋण होता है। माता की प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अपने मां के प्राणों की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपना सब कुछ होम कर भी उनके प्राणों की रक्षा करूंगा। जिस संजीवनी को लेकर तुम लक्ष्मण के पास जा रहे हो उसी को लेकर माता के पास चले जाओ, तब इनके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। नहीं नहीं, मैं लक्ष्मण के प्राणों के साथ खेलकर प्रभु राम के साथ धोखा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। माँ के जीवन से खेलकर घोर नरक में जाओ, जिसने घोर तप और कठिन साधना से भी तेरे जीवन पेड़ को हरी रखा। प्रभु राम, ये कैसा धर्म संकट है? एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ मेरा कर्तव्य है। कहाँ जाऊं, किसकी बाह पकड़ूं प्रभु, किस ओर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। खड़ा खड़ा देख क्या रहा है हनुमान, लक्ष्मण के प्राण चले गए तो तू रामद्रोही हो जाएगा, और माता के प्राण चले गए तो तू मातृद्रोही हो जाएगा। तू मातृद्रोही हो जाएगा, रामद्रोही हो जाएगा, मातृद्रोही हो जाएगा, रामद्रोही हो जाएगा, मातृद्रोही हो जाएगा। ममता से बड़ा है कर्तव्य। मैं लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा, मैं लक्ष्मण के प्राण बचाऊंगा। जय श्री राम। करता वैद्यराज, वहां तो हर बूटी चमक रही थी, अब अभी पहचान। अच्छा हनुमान,
लक्ष्मण जीवित हो गया पिताजी। क्या कहा? लक्ष्मण जीवित हो गया? उसमें अवश्य उस कुलद्रोही विभीषण का हाथ है। इंद्रदीप, आज ऐसा युद्ध हो जिसमें न राम रहे और न लक्ष्मण। जवाब दिया पिताजी। भगवान राम की शरण में चले जाइए। तुम कैसी राय देने आई हो मंदोदरी? शरण में काय जाते देखना मंदोदरी, जिसमें राम और लक्ष्मण और सारे वानर काल के मुंह में समा। तो कौन है वो काल स्वरूप? हमारा बलशाली भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण भैया, जागो कुंभकर्ण, 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 कुंभकर्ण। तुमने मेरे पति से मेघनाथ को मार डाला, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। ले जाकर उन्हें सुंदरियों के सौंदर्य में इतना उलझा दो कि राम लक्ष्मण न रहे और वो सीता को सदा के लिए भूल जाए और सीता हमारी हो जाए। यदि पाताल का सौंदर्य भी उन्हें ना ले जा सका तो पातालेश्वरी के सामने उनकी बलि चढ़ा दो। शुभ समाचार? और तुम फिर भी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? राम और लक्ष्मण लंका की सीमा छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? बहुत दूर, पाताल नगरी में। पाताल नगरी यमलोक है और वहां का सम्राट अहिरावण यम है। उस यम के हाथों राम और लक्ष्मण कभी नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। सहाय करने वाले वीर हनुमान, मेरे सुहाग की और मेरे देवर की रक्षा करना। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। राम, प्रभु राम, मेरे राम। इतनी विशाल गरीब फरण कैसी? और ये सुरंग का संबंध पाताल से है। समझ गया, ये माया कार्य पाताल पति अहिरावण का है। वही प्रभु राम लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले गया है। पाताल? अब क्या होगा? आप सब चिंता मत करें, मैं अभी बाताल लोक जाता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। छोड़ो, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान को कोई नहीं रोक सकता, हनुमान अंदर जा सकता है। मुकदमे जो हो सकता है कौन? अब
क्या कर रहे हो? जानती हूँ श्री मकरदेव आप ही का पुत्र है, विश्वास कीजिए मैं बताती हूँ। एक दिन जब आप लंका जलाकर आकाश मार्ग से जा रहे थे तब आपके फसीने की एक बूंद मेरे मन में गिरी, उसी के प्रताप से मकरदेव का जन्म हुआ। इस तरह आप ब्रह्मचारी होते ही जो भी मकरदेव के पिता है। पिताजी रावण छल कपट से प्रभु राम लक्ष्मण को पाताल दिया है। कहाँ है वो? पातालेश्वरी के मंदिर में। कहाँ है वो मंदिर? चलिए मेरे साथ। चलिए पिताजी आप मुझे मान के जाइए ताकि मैं अपना कर्तव्य का पालन करूं। Right.
समझ में नहीं आते इन दुराचारियों के नाश कैसे होगा। पहले अहीं रावण मुनि मरेंगे, पहले अमृत कुंड से अमृत लाने वाले भोरों का सहार कीजिए, तभी अहीं मुनि मरेंगे। प्रभु आप इन्हें संभालिए। जय सिया राम रहेगा और या रावण। राम और लक्ष्मण तुमने हमारी बहन चर भड़का के नाक और कान काट डाले, हमारे पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण को मार डाला, आज तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकते। तुम भी बच नहीं सकोगे, रणभूमि तुम्हारा रक्त पीने के लिए व्याकुल हो रही है। Thank you.
फिर से जुड़ जाएंगे। तुम हमें नहीं मार सकते, हम तुमसे नहीं मर सकते। बार बार फिर काटने पर भी लंकापति नहीं मरता, कुछ उपाय कीजिए। उपाय? भगवान, रावण की नाभि में अमृत है, अग्नि मार मार कर सुखा दीजिए, तभी उसकी मृत्यु होगी। मेरे प्रभु जीत गए विभीषण जी, आज मेरे आनंद की सीमा नहीं, आज मेरे भाग्य में सोने का सूर्य झुका है। प्रभु राम, प्रभु राम, आज मेरे योग का अंत हुआ। मैं आपके मुख कमल के दर्शन करूंगी, मैं आपके चरणों में लौट लौट जाऊंगी। ये शुभ समाचार के लिए विभीषण जी मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपके पास क्या नहीं है जगत जननी, आपकी कृपा का आसरा ही मेरे लिए अदेश है। आज आपको भगवान राम के पास पहुंचा कर धन्य हो जाऊंगा। दासियों आगे बढ़ो और महादेवी सीता को सर से पांव तक सजा दो, आज इनका प्रभु राम से मिलन होगा। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं करो, मेरे पास नहीं आ, मेरे पास नहीं आ, प्रभु राम से मिलने के लिए मैं स्वयं अपने आप को फूल से सजाऊंगी। मेरे राम अंदर जल्दी, जानते हो आप कौन आ रही है? जनक नंदी मेरी हृदय मार्ग में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल बिछा, कहीं जानकी के पांव में शूल न चूक जाए। भैया माता सीता को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा, सबके मन में हमारी ही तरह खुशी का सागर हिलोरे मार रहा है। लक्ष्मण सचमुच आज मेरे जीवन का महान पर्व है, आज मेरे आनंद का पार नहीं है भैया। भैया माता जी, एक दिन मैं आपका पता लगाने के लिए आया था और आज मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। सच पूछिए जितनी प्रसन्नता आपको है उससे कहीं अधिक भगवान राम को है। चलिए माता जी। प्रजा के राम, भावना को भूलकर कर्तव्य का पालन करो, संसार के सामने राम का आदर्श स्थापित करो। माता भैया, वो देखिए भैया, हनुमान जी के साथ मातेश्वरी आ रही है। मेरे चरण छूने से पहले बानर दल की शंका का समाधान करो। शंका, मेरे प्रति शंका, श्री राम की सीता पर शंका, मैं क्या सुन रही हूँ प्रभु, मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं 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 नहीं। एक वर्ष तक तुमने रावण की पाप भरी लंका में निवास किया, इसलिए समाज तुम्हें संदेह की दृष्टि से देख रहा है। संदेह? पुरुष की स्वच्छ भावना करना चाहने कब बंद होगा? कब वह भागन नारी पर झूठे कलंक लगाना बंद करेगा? प्रभु राम, क्या क्या आपको भी मुझ पर संदेह है? सीते, मैं जानता हूं तुम चंद्र की चांदनी की तरह निर्मल और गंगा जल की तरह पवित्र हो, फिर भी तुम्हें अपने राम की मर्यादा की रक्षा करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही होगी।
राम की आज्ञा। अवश्य इस परीक्षा में सीता रही न रहे, परंतु मेरे राम की मर्यादा बनी रहे। मैं पूछता हूं, कौन है वो समाज के ठेकेदार जिन्होंने माता सीता पर ऐसा कलंक लगाने का साहस किया? मैं इसी क्षण उन दुराचारियों को यमलोक पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण, आपका ऐसा क्रूर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये वही सीता है जिसके लिए आपने इतने कष्ट उठाए, इतने व्याकुल रहे आप। आज उसी मां सीता पर यह अत्याचार, ये अनर्थ देखने से पहले लक्ष्मण स्वयं को अग्नि की भेंट चढ़ा देगा। दूसरों की व्यर्थ की बातें सुनकर अपने घर में आग लगाना ये कहां की मर्यादा है? ये परीक्षा नहीं भैया, ये घोर अन्याय है, पाप है, ये पाप है। लक्ष्मण शांत रहो, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम निर्बलों की ना सुने, और ये मत भूलो कि सीता के लिए रथ बहाने वाले भी यही बानर हैं। इन्हीं के बल पर हमने लंका विजय की है, शंका का समाधान होकर ही रहेगा। भैया आज्ञा का पालन हो। भगवान, जिस मां के लिए हमने इतने बलिदान दिए हैं, इतने कष्ट सहे हैं, आज उसको पाने के बाद उस मां की इतनी कठिन परीक्षा, ये कैसा न्याय है भगवान? हनुमान, अग्नि स्वयं एक सत्य है, सत्य को सामने आने दो, चंदन की चिता सजाई जाए, जाओ। अब आप ही मेरे साक्षी हो, प्रकट होकर मेरे सतीत्व का प्रमाण दो, सारे संसार की शंका का समाधान करो। प्रकट हो अग्निदेव, प्रकट हो। पति परमेश्वर के चरणों का कर मन ही मन ध्यान, अग्नि प्रवेश किया सीता ने रखी सती की आन। धन्य धन्य तुम जन के दुलारी, तुम सच्ची सतवंती नारी, सबके मन की शंका हरने, अपना जीवन उज्जवल करने, अग्नि परीक्षा की निर्भय हो, सिया तुम्हारी जय हो, जय हो, सिया तुम्हारी जय हो, जय हो। देवी सीता, आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता आप ही की तरह पवित्र और पावन है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। माता जनकनंदिनी की जय। माता जनकनंदिनी की जय। माता जनकनंदिनी की जय। माता जनकनंदिनी की जय। बेटा हनुमान, तुम्हारा एक कर्तव्य पूरा हुआ, अब दूसरे कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारी माता अंजनी तुम्हारे लिए व्याकुल है। जाओ हनुमान, शीघ्र अपनी मां के पास जाओ, अब अयोध्या में तुम्हारी हमारी भेंट होगी। जो आज्ञा प्रभु। कौन है? मैं तुम्हारा बेटा हनुमान हूँ माँ। हनुमान? हनुमान? हाँ माँ। तू हनुमान नहीं हो सकता,
ये सब छल है, ये सब छल है। मैं सचमुच आ गया हूँ माँ, मुझे मेरे प्रभु राम भी मिले, मैंने उनकी बहुत सेवा की। माँ माँ मुझे देखो, माँ मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। माँ मुझे देखो, माँ मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। माँ तुम रो क्यों रही हो? मुझे देखो माँ, मुझे देखो माँ, मुझे देखो माँ। ये सब क्या हो गया माँ? तुम्हारी आंखें पुत्र की भेंट हो गई। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा वो स्वरूप जिससे मैंने प्रभु राम की सेवा की है, वो अब मैं माँ को नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। मेरी माँ अंधी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बाबा। नहीं हो सकती? नहीं हो गई। बेटे की खोज में बन बन घूमती हुई अपनी आंखों का दान दे बैठी। माँ मैं घोर पापी हूँ, अधर्मी हूँ। मैंने अपनी माँ की आंखें छीन ली, अब मैं अपनी आंखें रखकर संसार को देखकर क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं भी अपनी आंखें बोलूंगा माँ। मुझे क्षमा करो माँ। मैं ही संसार का हुआ भागा बेटा हूँ, जिसने माँ की सेवा के स्थान पर उसकी राह में कांटे बो दिए। माँ मुझे श्राप दो, मैं अंधा हो जाऊं, कूड़ी हो जाऊं। पवन राम मुझे मेरी माता की कई कहानियां सुनाया करते थे, मैं तो घर से खुली नहीं समाती थी। मेरे लाल मैं तो कुछ ऐसा बैठा पाकर मैं हो गई हूँ, धन्य हो गई। चलो मुझे कहो तो तुम राम कैसे, तुम मुझे भी उनको दिखाओ। अवश्य माँ, मेरे भी पापों का प्रायश्चित वही जाकर होगा। माँ मेरे राम बड़े दयालु है, माँ बड़े दयालु है। मुझे उनके पास ले चल, मैं भी देखूं वहां के ममता से बढ़कर जिनकी भक्ति है वो तेरे राम कैसे हैं। चलो माँ, चलो माँ। हनुमान से अपनी माता अंजनी से मिलने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। क्या किया? लो हनुमान जी आ गए। तुम हनुमान की ही माँ ने, हम सब की माँ। कभी मुझसे मांगता न मैं कभी उससे देता। हाँ तुम अगर कुछ देना चाहती हो तो अवश्य दे सकती हो। आज के शुभ अवसर पर हम आपको अपना कंठार देते हैं।
जी को इसका इतना भी ज्ञान नहीं? अपने को सभ्य कहलाने वाले हनुमान बिल्कुल असभ्य है। बाहर तो खेरा हनुमान को इसका धन अवश्य मिलना चाहिए। माता सीता का अपमान है, राम दरबार का अपमान है, भगवान राम का अपमान है। राम ही मेरे, जिस माला के मोतियों में राम है वो माला मेरे किसका है? ऐसा लगता है कि तुम ही हर जगह राम को देखते हो। हाँ मैं देखता हूँ राम, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। राम बिना हनुमान नहीं। ये तुम राम दरबार को चुनौती दे रहे हो हनुमान, और आज मैं प्रमाण दे रहा होगा कि तुम्हारे हृदय में राम है। राम तो हनुमान तुम्हारी भक्ति का खंड दीप चंद्र सूर्य की तरह युगयुग तक प्रकाशमान होगा, और राम सीता की जय जयकार के साथ पवन सुत हनुमान की जय बोली जाएगी। पवन सुत हनुमान की जय।